सोलन नगर परिषद में भाजपा पार्षदों को अपना अध्यक्ष बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है। पहले भी सभी पार्षद मिलकर अपने अध्यक्ष पवन गुप्ता को इस पद से उतार दिया था और इस बार गौर करने वाली बात यह है कि 6 भाजपा पार्षदों के साथ पहली बार 3 मनोनीत पार्षदों ने भी रोष जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उनका आरोप है कि दूसरे राजनीतिक दलों को भाजपा अध्यक्ष सहयोग कर रहे हैं, उन्हें दरकिनार कर रहे हैं, जिससे भाजपा शहर में लगातार कमजोर और दूसरे राजनीतिक दल उन पर हावी हो रहे हैं। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष पवन गुप्ता और अन्य पार्षद ने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष ने विकास पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिया है, पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं रखी जा रही है और अध्यक्ष अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जिसकी वजह से आज भाजपा के पार्षद अपने वार्डो में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। यही कारण है कि वो आज तंग आकर अपने मंडल अध्यक्ष को अपने सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए हैं। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि अगर मंडल सही समय पर कोई कदम नहीं उठाता है तो उसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है। मामला सारा जो है संगठन के ध्यान में लाया जाएगा, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके ध्यान में भी लाएंगे, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री हैं उनके ध्यान में भी लाएंगे और यहाँ जो लोकल स्तर पे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं या हमारे संगठन मंत्री हैं उनके ध्यान में हम जरूर लाएंगे, क्योंकि हम कहीं विकास में पीछे हट गए तो शायद लगता है कि हम लोकसभा के लिए नहीं दिला पाए। संगठन का जो भी आदेश होगा हम वो मान्य करेंगे। अगर संगठन को लगता होगा कि उनको ठीक किया जा सकता है तो ठीक है, अगर वो भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाए, हमें तो ये लगता है कि कार्यप्रणाली में उनको सुधार लाना चाहिए और सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। यानी कि अटकलें भी लगाई जा रही है कि आप सभी लोग जो है इस्तीफा देने वाले हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ? हाँ, विचार करेंगे बिल्कुल, अगर सामूहिक त्याग पत्र बनेगा तो हम जरूर देंगे, क्योंकि अगर हम अपनी नगर परिषद अध्यक्ष के कार्यप्रणाली से भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। हाँ, कई वार्ड हमारे नॉन ड्राइविंग है, कई नाले हैं, तो 19-21 हर जगह होता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही साइड किया जाएगा वार्डों को तो फिर लोगों ने हमारे को जिन कामों के लिए भेजा, अगर हम वही ना कर पा पाए तो फिर हमारे कमेटी में आने का फायदा क्या है।